वेलकम बैक जी ब्रेक के बाद आपके साथ हैं और अब शामिल की जाएगी हमदनात और आज जादू जन्नात के हवाले से जो सवाल आपने भेजे हैं उनके जवाब आपको बताए जाएंगे स्टूडियोज़ में जो मज़स मेहमान मौजूद हैं उनका तारुफ करवाऊँ मेरे साथ मौजूद हैं मोहसिन एहसिन बिलाली साहब जो कि नाथ ख़ाए मोसिन साहब असल कैसे हैं आप खैरियत से हैं जी अलहमदिल्ला इनके साथ मौजूद हैं कारी उमैर बिन उज़ैर जो कि माहिर जादू जन््त के हवाले से मॉलिज हैं का साहब असल आप भी सर खैरियत से हैं। हैं। सर बहुत से सवाल हैं जो आपसे करने हैं पहले चलते हैं मोहसिन साहब की जानब और मोसिन साहब से पूछते हैं आज हमें क्या सुना रहे हैं आप। ला इलाप ये कब्र तेरी चमकाएगा ला, ला इलाह इमलाप कभी न मिटने पाएगा ला, ला, ला इलाह इन वो सम सो कमर जो कुझु بھی आता है नज़र अर्ज़ो कमर जो कुछ, कुछ भी, भी आता है नजर सब, सब कुछ, कुछ हो जाएगा फना ला इलाहा गॉप सब कुछ हो जाएगा फना ला इलाहा गुलाप कभी न मिटने

किसी ने सूली पे चढ़ के कहा ला इलाहा इल्लल्लाह किसी ने सूली पे चढ़ के कहा ला इलाहा इल्लल्लाह कभी ना मिटने पाएगा ला इलाहा इल्लल्लाह की तो सबका दाता है उसी से अपना नाता है वकी तो सबका दाता है उसी से अपना नाता ना है।, तो ना ना है और किसी से, से लेना क्या ना ला, ना ला कभी न मिटने पाएगा ला इलाहा इला इला इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह माशाल्लाह जज़ाकल्लाह मोहसिन हसन बिलाली साहब अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए uh, कारी साहब uh, बहुत से सवाल हैं आगाज़ यहाँ से करते हैं कि जादू क्यों होता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलहमदल्ला वाल खरखल्किल्ला अम्मा बाद जादू जब उस वक्त होता है जब हम नमाज नहीं पढ़ते हम पाक साफ नहीं रहते और हम झूठ बोलते हैं और इसमें सबसे ख़ास बात यह है कि तहमत तो लगाना किसी के ऊपर झूठ बोलना टो तो लगाना और इसी तरह तजस करना और दूसरों के मामलो मामला में इंटरफेयर करना हजार यूसफ बड़ा जालिम इंसान था लेकिन उसने अपनी ज़िंदगी में तीन काम बड़े कमाल के की एक उसने ये किया कि सबको नमाजी बना दिया और हम जो कुरान के ऊपर ज़बर जेरे देखते हैं वो हजार बिन यूसफ़ ने लगवाई और एक काम उसने ये किया कि तमाम जादूगरों को बुलाया बुला के उसने कहा नीचे कंकरियाँ पकड़ी उन्होंने कंकरियाँ पकड़ी कंकरियाँ पकड़ने के बाद उसने कहा कि गिन ली उसने और उसने कहा कि बताओ सारे जिन्नात को मतलब जितने भी जादूगर थे उनको बुलाया उनको कहा कि बताओ कितनी है सब ने बता दिया कि इतनी 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 है उसके बाद दोबारा उसने पकड़ी दोबारा पकड़ने के बाद पूछा कि अब बताओ उन्होंने कहा कि अब नहीं हम बता सकते कहा, अब पहले तुमने तो बता दिया था क्यों नहीं बताया उन्होंने कहा पहले जब आप गिन रहे थे तो आपके हमजाद भी गिन रहे थे और जब आपने नहीं गिना तो गैब तोल्ला के पास है तो जब हम किसी से कोई बात कर रहे होते हैं अपनी जैसे हम एक दूसरे को बता रहे होते हैं कि यार मेरा एक वीक पॉइंट जो होते हैं हम एक दूसरे को बताते हैं ना दोस्त होते हैं बैठे होते हैं तो जिन्ना सुन लेते हैं तो वहाँ से वो आपकी वीकनेस उसको पकड़ लें पकड़ लेते हैं और फिर जाके वो आपके ऊपर जादू करवाते हैं जिसने हसद करना होता है वो बड़ा इजी होता है उनके लिए तो इसीलिए इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने काम से काम रखें जी अच्छा ये बताइएगा कि जो आसिब या जन्नात हैं इनके होने की पहचान क्या है कैसे पता चलता है आपके शोल्डर और आपकी बैक हमेशा दर्द करेगी झकड़ी रहती है इसकी ना निशानियाँ इस तरह हैं कि पाँच छः छः चीज़ें हैं जिससे हम पता कर लेते हैं कि जन्ात साया है या जादू है नंबर एक पे यह है कि इंसान घर से बाहर बिल्कुल ठीक रहता है बिल्कुल ठीक है उसको कोई मसला नहीं है घर के अंदर आते साथ ही चिड़चिड़ापन आ जाता है असेब वाले मरीज़ के साथ चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा होता है अच्छा छोटी सी बात पर गुस्सा आ जाता है और गुस्सा बर्दाश्त नहीं होता मतलब गुस्सा भी उसको अपनी मिसेस के सामने आएगा उन पर निकालेगा अगर शादीशुदा है तो अगर शादीशुदा शादी शुदा अगर शादीशुदा नहीं है तो वो अपने माँ बाप पर निकालेगा बहन भाई पर निकालेगा और बाहर अगर उस बंदे को देखा जाएगा तो बहुत हम्बल बहुत सुकून वाला ऐसे जैसे इसको कभी गुस्सा आया ही नहीं ये कन्फर्म है ये कन्फर्म है अच्छा ये कन्फर्म है और फिर जब वो रात को सोता है तो सुबह उठता है तो उसको ऐसा महसूस होता है कि जैसे मैंने मनोटन वजन उठाया आराम नहीं किया उसका जिसम थका रहेगा वो अपनी दस घंटे की नींद भी ले लेगा तो उसको यही लगेगा कि मैंने नींद नहीं ली वो फिर सोएगा जिसम थका रहता है और उसके शोल्डर जो है ना वो और बैक ये हमेशा जगड़ी रहती है इसी तरह दवाइयाँ भी असर करना छोड़ देती हैं तो ये इसका इससे पता चल जाता है कि ये मरीज की वाली हाँ, ज़ाहिर हो जाती है और इसकी एक और बड़ी निशानी भी है ख़ात के अंदर दरअसल ज़्यादा ये मसले पाए जाते हैं जो लोग अपने नाखून बड़े रखते हैं जो ख़वा या जो मर्द अपने नाखून बड़े रखते हैं वो उनको हम देखते साथ ही पहले बता देते हैं कि इनको गु़स्सा बड़ा आएगा इनको बड़ा गुस्सा है इनके अंदर तो वो अक्सर वो कहते हैं कि आपको कैसे पता चल गया कि इनके अंदर हमारे अंदर गुस्सा है तो नाखून जिनके बड़े होते हैं तो नाखून के नीचे ज़रिए बात जितना भी साफ कर लेंगे गंदगी तो होगी तो वहाँ शैतान अपना बसेरा करते हैं वसफ से डालते हैं आपको परेशान करते हैं आपको बहुत लंबी लंबी सोचों में लेके जाते हैं आपको डिस्टर्ब कर देते हैं तो ये चीज़ है अच्छा यानी कि जो खुतिन अमू तौर पर जिनके नाखून या ख़ास तौर पर आप ये भी देख सकते हैं कि जिनके नाखून बड़े हुए हैं चाहे उन्हें शौक़ से रखें फ़ैशन के तौर पर रखें वो अमाज का है शैतान शैतान के और वो अपने आप को ओपनली लेके जा रही है आसेब की तरफ जन्नात की तरफ या जादू की तरफ आप जिनके नाखुन बढ़े हैं ना आप उनको देखते साथ एक बात कह सकते हैं कि इनके अंदर गुस्सा है चिड़चिड़ापन चर है इनके अंदर अगर घर में उनसे घर वालों से पूछा जाए फ्रेंडली जरा पूछा जाए तो बदतमीज है आगे बोलती है या बोलता है रीजन हाँ, ये रीजन ये तो एहतियात ये फरमाएगा कि जादू आसेब या नजरेबाद में से सबसे ज्यादा खतरनाक क्या है और इनके इलाज क्या क्या है देखें जी रसूल सल्लाह वम की बात तो कभी झूठ नहीं हो सकती बेशक आप सल अलाम ने, ने फरमाया मेरी मजुहन नजरेबाद की वजह से कब्र में जाएगी और नजरेबाद इस तरह जैसे खड़ाऊन ढांडी में यह हदीस रखी आप इस दुनिया में अगर सबसे बदतरीन बीमारी है अगर कोई बुरी चीज है वो तो नजरेबंद है नज़र बद के बाद जादू होता है नजर बद के बाद असेब होता है नजर बद के बाद हसद होता है आपके घर में बच्चा बिल्कुल ठीक था अचानक से रोने लग गया और अचानक से उसने उल्टियाँ करना शुरू कर दी नज़र बद नज़र बद इतनी ख़तरनाक चीज़ है निजामी साहब आप हैरान होंगे सुन के कि हमारे पास लोग आते हैं हम उनको कहते हैं कि हमें पता लग जाता है कि ये जादू का मरीज़ है या असेब का है या नज़रबद हमको नहीं डराते नहीं हैं हमको सब कहते हैं इसको ना नजरेबाद अच्छा चले दम कर दें फिर हम इनको कहते हैं जादू हो जादू है जबकि उसके बाद का मरला है बाद का मरला है और अरब जादू से डर जादू से नहीं डरते नज़रबाद नजरेबाद से, से डरते हैं और हमारे यहाँ नजरेबाद को कुछ लिया ही नहीं जाता फंक्शन में जाते हैं फंक्शन में जाके, जाके जारी बात है सब ने देखना है खूबसूरत लगती हैं नज़रें लग गई और घर आए बुखार हो गए बीमार हो गए बच्चे दूध नहीं पीते बच्चे तंग करने लगे अब जी वो मौली साहब के पास आ गए, कारी कारी साहब साहब क्या करेंगे? जब आपने अपने तरीके नहीं बदलने कारी कर भी दें तो उन्होंने घर जाके दोबारा वही करना है देखें, बद जादू और सेब कब आता है? जी। एक, इसकी एक बड़ी भी है कि जब हम घर के अंदर और मैं बड़ा हैरान होता हूं इस चीज को लेके कि जब किसी फैमिली को मैं समझाता हूँ कि आपने तजसस नहीं करना टोमत तो नहीं लगानी टो तो नहीं लगानी आपने झूठ नहीं बोलना तो वो बड़ा मुस्कुरा के ना आगे से कहते हैं आ, सर ये कैसे हो सकता है यानी वो फिर ये कहते हैं तो फिर हमने करना क्या है हाँ आजकल के दौर में तो यही कुछ ज़्यादातर <laughs> वो कहेंगे कि जॉइंट फैमिली है तो उसके अंदर हम कैसे रह सकते हैं आप बताएँ कैसे चुगली कैसे नहीं होगी तो इनको अंदाज़ा ही नहीं है और ये जब हम करते हैं तो हम जिन्नात और जादू का दरवाज़ा खोलते हैं घर में कि आओ हमारे अंदर जादू कर दो हमें नहुसे हमारे अंदर डाल दो बद कर दो तो इन चीज़ों से वो बाज नहीं आते तो सबसे ख़तरनाक चीज़ है नजर बद जिसको हम कुछ नहीं समझते इसको समझने की ज़रूरत है अच्छा खादर सब इससे बचने के लिए नज़र बद से क्योंकि आगाज़ इसी से ही है बाकी सारी सूरतें बाद में तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए वैसे तो माशा वज़ायफ़ बताते हैं अपने प्रोग्राम में और कौन सी ऐसी चीज़ें या कोई ऐसी ख़ास चीज़ जैसे घर में एंटर होने से पहले बिसमिल्ला पढ़ लें असलमकुम करें आते साथ ही कौन सी ऐसी चीज़ें मैंने बहुत सारी चीज़ें इमाम इबनकयम ने बहुत वजाहत के साथ इसके अंदर बताया है और हमारे सलफ हैं जैसे एक बार सलफी है साहब हैं बड़े हैं और जितने भी हैं माशा काफ़ी लोग बताते हैं पाँच चीज़ें जो है ना वो मैं अक्सर अपने मरीजों को बताता हूँ जी तो के अपनी न किसी के साथ जिक्र ना करें बिल्कुल ठीक है वन एक ये हो गया नेक्स्ट अपने गम किसी के साथ शेयर ना करें अपनी खुशी और गम दोनों आपने हाइड रखने अगर हम होता क्या है कि हम लोग फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक बच्ची आई परसों वो इधर से लेके ना नीचे तक पैरालाइज होगी और तीन चार दिनों के अंदर अंदर मैंने उनसे कहा कि आपने ऐसी कौन सी नीमतें हैं जो लोगों को बताई हैं इसके बारे में आप मेरे पास कोई बड़ी किसी ने जादू नहीं किया कुछ नहीं किया आप मुझे बताएं तो कहने लगी हाँ ये बच्ची के एफ़ एस सी में पेपर बड़े अच्छे इनके हुए थे तो उसके रिजल्ट अब इसने यूनिवर्सिटी जाना तो हमारे खानदान में पहली बची थी और हमने सबको बताया था सुइयाँ लगी हैं मतलब उसको ऐसे लगा जैसे सुइयाँ चुभ रही हैं करते करते पैरालाइज हो गई तो अभी आने से पहले मुझे फ़ोन आया उनका जो चीज़ें मैंने उनको बताई थी जी वो कहते हैं वो ठीक होने लग गई है डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि आप दम वगैरह करवाएं तो पहले नंबर पे अपने गम और अपनी खुशियाँ आपको बहुत दिल करा ना किसी को बताने को तो आप वजू करें Allah दो Allah रकत नफल पढ़े अल्लाह को बता दें ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल अल्लाह को बता दें और उसके शुक्र अदा करें उसका शुक्र अदा हाँ। करें ना तो नज़रेबद लगनी है ना तो रासफाश होना है सुकून भी मिलना है उस को बता रहे हैं जो पूरी दुनिया के राज रखता है खुशी मिली है तो उसका शुक्र अदा शुकर करें दुख है तो उससे आप कहें ताला हमें माफ लेकिन कारी हम तो ये करते हैं सॉरी आप प्लीज कैरी ऑन कीजिएगा हम तो ये करते हैं कि हम फौरी तौर पर स्टेटस लगा दिया फौरी तौर पर सोशल मीडिया पर लगा दिया मैंने ये बाय किया है मुझे ये मिला है तो ये नजरबंद मना करते हैं मेरे पास कितने हज़ार लोग हैं मतलब जो हमारे पास में, में, जिनका स्टेटस अक्सर मैं उनको मना करता हूं कि आपने स्टेटस नहीं लगाने अपने बच्चों के वो लगाए अब क्या करते हैं कि मे, मेरे पास आने से पहले वो भी स्टेटस लगाएंगे कि जी आज हम दम के लिए जा रहे हैं जा जा, दम करने के लिए जा रहे हैं हमने नजरबद को ख़त्म करना है अब बता कि मैं जो इलाज करवा रहे होते मैं उनको ये भी बताता हूँ कि आपने ये भी नहीं किसी को बताना कि आपके ऊपर नजरबंद है ये भी ना बताएं कि आप इलाज कर रहे हैं खामोशी के साथ इलाज करें अपना। जरूरी है ठीक है।, है आपने दो चीजें बताई अपनी नेमतें और खुश्या, अपने खुश्या। और खुशियां अपने गम ये खुशियाँ अल्लाह ताला को बताएं ठीक है नंबर दो तीन पे कि घर के अंदर गुस्सा ना करें अच्छा जिस घर में गुस्सा होता है उस घर में शैतान होता है और जिस घर में शैतान है वो घर में बहस लेकर आएगा अच्छा असेब वाला मरीज जो होता है ना वो बिला वजह बहस करेगा आपने देखा होगा कि वो बहस कर रहा है बहस करते 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 वो लंबी बहस चली जाती है उसका कोई लाई हासिल नहीं होता बस वो बहस हो रही है वो बहस लड़ाई में और लड़ाई के बाद वो अल्लाह माफ़ करे तलाक और उसके बाद शैतान खुश उसका काम हो गया शैतान है तो उसको गले लगा लेना तो है। दो चीज़ें कि अपने आ, 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 एक घर में गुस्सा ना करें और एक घर में बहस ना करें दो चीज़ें यानी कि चार चीज़ें होंगी एक गम और एक मनी नियमतें काम, किसी को ना शी हाँ आप गुस्सा ना करें और घर में नाचाकी ना पैदा ना। करें ये लड़ाई झगड़े वाला माहौल बहस वाला ना और नंबर दो पे ये है कि अपनी घर के अंदर गुस्सा ना करें और घर के अंदर बहस ना करें ठीक है और नंबर पाँच पे <coughs> कि अपनी नेमतें लिखें रोजाना अच्छा देखें होता किस तरह है कि रब ने न तो सबको दी हुई हैं किसके पास से हर किसी किस उसके मुताबिक अल्लाह ताला ने उसको नेमतें दी हुई हैं होता क्या है कि जब हमारी नशिक्रियाँ इधर आ जाती हैं तो नेमतें ऑटोमेटिकली नीचे चली जाती हैं और जब वो नीचे जाती हैं तो रब ताला वो उससे वो सब कुछ ले लेते हैं वापस ले लेते हैं और अल्लाह ताला उसको कह रहे होते हैं कि बंदा वो नशिकियाँ छोड़ तो जब हम अपनी नेमतें छोटी सी छोटी नेमत मसलन अल्लाह तूने हाथ दिए अल्लाह तूने कान दिए

कारिस्त साहब के पास जाने से पहले इन चीज़ों को इन, इन चीज़ों का एतियात करें आपको जरूरत ही नहीं पड़नी किसी के पास जाने की हमारे असलाफ ने हमें यह सिखाया कि आप अल्लाह ताला के साथ जोड़ें लोगों को लोग तो अपने साथ जोड़ते हैं अब एक मैं हैरान होता हूँ एक अच्छा ज्यादातर खुतानी आती हैं उनको क्यों क्यों आती हैं ज्यादातर खुतानी क्योंकि अक्सर हम प्रोग्राम्स करते हैं बड़े मेहमान आते हैं और नंबर ऑफ लेडीज ही होती हैं जो क्वेश्चंस भी जिनके आ रहे होते हैं ये क्यों है बस फितना है अल्लाह ताला महफूज फरमाए वो मेरे पास एक औरत हैं उनके बच्चे भी साथ तो वो उन्होंने कहा कि हमारा रिश्ता होना है तो आप हिसाब लगा दें उनके मुताबिक हिसाब होता है जी हिसाब लगा दें अच्छा ये हिसाब कौन सा होता है ये, कोई ये, अलजबरा है कोई फॉर्मूला है, <laughs> है अब मैं आपको अब वही मैं आपको बताने लगा अल्जबरा जो है ना वो मेरे सामने रखा गया अच्छा अच्छा वो चेक करवा के किसी साहब अब अल्लाह अब वो का, एक कह रही है कार्य साहब के पास से होकर आए हैं उन्होंने हिसाब लगाया है और मैंने बकायदा वो कागज देखा उसके ऊपर सितारों का वो लगाया हुआ था जैसे काहिन और नजूमी करते हैं और मैं उन्होंने कहा कि आपका रिश्ता ठीक नहीं है मैंने ठीक नहीं है रिश्ता रिश्ता अच्छा रिश्ता जहाँ आप करवाना चाह रही हैं वो लोग अच्छे नहीं है आपके लिए सही नहीं है मैंने कहा उसको किसने कहा कि फ्यूचर के बारे में वो आपको बताए फ्यूचर के बारे में तो अल्लाह ताला को पता है वो तो कोई नहीं बता सकता उसको किसने बता दिया उसको जाने नजूमी के पास जाना ही मना मैंने फिर उसको कहा कि आप तोबा करें इस्तगफार करें दोबारा कलमा पढ़े मुसलमानों आप क्या आपने कर लिया किसके पास चले गए तो लोग मजबूर हैं और ये लोग फायदा उठाते हैं पैसे भी लेते हैं फायदा भी उठाते हैं और वो मैंने देखा लिटरली वो जबरा वाला सारा उसके अंदर वो हिसाब किताब लगा हुआ था लैक ऑफ एजुकेशन है दीन से दूरी है इसी वजह से ये मामला ठीक है।, है अच्छा सर बहुत से क्वेश्चन भी हैं वो भी साथ साथ एड ऑन करते हैं कि एक सवाल पूछा गया मैं एक गैर शादीशुदा खातून हूँ चालीस साल से ज्यादा उम्र हो चुकी है कोई रिश्ता नहीं आ रहा इसी तरह मेरा एक भाई है हम दोनों के रिश्तों में जैसे कोई बंदिश शदी बंदिश है बर करम हमें बताएं कि हम क्या करें ये तो देखा जाएगा कि उनका नौयत किस कि, किस नौयत का है उनका जी कि उनके ऊपर जादू जादू है अक्सर ये जादू की वजह से मामला बनते हैं रिश्ते नहीं होते अक्सर जादू रसेब में ये चीज़ भी है कि एक घर से इंसान घर के अंदर आता है चिड़चिड़ापन आ जाता है छोटी सी बात पे लड़ाई हो जाती है गुस्सा बहुत आता है रात को छिपकली या सांप आपके ख्वाब के अंदर आना इनको ज़रूर ख्वाब भी आते होंगे अच्छा छिपकली या सांप भी इसके अंदर आते होंगे इस तरह के ख्वाब और इसमें ऐसा होता है कि कोई काम 99 परसेंट हो गया वो एकदम जीरो पे चला जाता है जैसे रिश्ता एक आया देखा उन्होंने हो गए राज़ी हो गए उन्होंने रबता ख़त्म कर दिया तो ये शुरू तो नजरेबद से ही हुआ इन्होंने कोई अपनी चीज़ों को शो ऑफ किया अपने घर को अपने बेडरूम को अपने अपनी अम, इवन अपना कुछ भी नहीं छोड़ते सबके सामने ले आते हैं तो ये देखा जाएगा कि नोयत वो कितना पुराना जादू है अच्छा इसमें आसार मिलते हैं जादू के बिल्कुल मिलते हैं आप देख लें कि बंदा ख़त्म हो जाता है जी बंदा जब ख़त्म हो गया हम एक बड़े अच्छे हमारे नमाजी थे मैंने अपनी जिंदगी में उनको नहीं देखा कि उन्होंने फजर की नमाज़ छोड़ी हो मस्जिद में उनके ऊपर जादू हो गया और जादू इस तरह का हुआ कि उनको कैंसर हो गया इस सूरत में जैसे इस बहन का सवाल है तो इनको अगर हम अमूमी यहाँ से अगर हम इस वक्त डिस्कशन में से अगर बात निकालें तो इनको क्या पढ़ना चाहिए क्या करना चाहिए देखें जी एक तो दुआ है अक्सर मेरे पास लोग आते हैं कहते हैं जी कर साहब हमें इसके लिए दुआ बता दें मैं उनको वो दुआ बता देता हूँ नहीं नहीं ये आपने बता दी थी कोई और बताएं अच्छा मैं दोबारा बता देता हूँ मैंने ये अब लोगों को अहमियत का पता ही नहीं है अल्लाह वकील इससे बड़ी दुआ कोई नहीं इब्राहिम स्लम ने दुआ ये पढ़ी आग के अंदर जब गए जी और अल्लाह ताला ने कहा आ को कि इतनी ठंडी भी ना हो कि मेरे इब्रा, 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 इब्राहिम इब्राहिम अली सलाम को ठंड लगने लग जाए कि इतनी कमाल की दुआ है लोग कहते हैं कि और नहीं लोग उन्हें पता क्या कहते हैं नहीं कार साहब कोई और नुस्खा बताएं अच्छा नुस्खा तवीज लिख के दें अल्लाह हू कोई और कोई रॉकेट साइंस हमें बताएं जिससे हम अब घर जाएं तो फौरन ठीक हो जाए

और इसके साथ ला इलाहा हु। ला शरीक लहुल मुल्क लबुलकू वमदू वदी अगर इन दोनों को ये कसरत से पढ़ लें अगर तादाद सुबह अच्छा ये जादू कब होता है जादू की एक निशानी भी है कि ये आ, ये भी समझना चाहिए जो शुरू में सवाल हुआ था जी जी जब हम सुबह की नमाज़ नहीं पढ़ते सुबह की नमाज़ हम पढ़ते ही नहीं है तो शैतान हमारे नाक पे रात गुजारता है कान में पेशाब करता है और हमारी गुद्दी पे तीन गिरें लगा देते हैं जी बिल्कुल अब गिरा वो जादू है अब वो एक इंसान एक महीना या पंद्रह दिन नमाज नहीं पढ़ी चलो एक महीना नमाज नहीं पढ़ी तो नवे गिरे लग गई अब वो जादू किसने किया हमने खुद अपने खुद हाँ पे अपने किया तो हम दूसरों पे लगा दें मेरी पुप्फी मेरी ताई मेरी चाची उसने ऐसे किया तो उसने ऐसे किया पहले अपना जादू खुद ठीक करें बाकी तो बात ठीक करें ना हम तो अल्लाह ताला और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो कभी किसी को ब्लेम किया ही नहीं वो कहते हैं अपने आप को ठीक करो तो ये बहुत ज़रूरी है कि अब नमाज़ें शुरू करें नमाज कोई ना छोड़ें और पर्दे की पबंदी करें यानी कि पर्दा लाजिम करें अपने ऊपर इस्तफ़ार करें तीन चीज़ें हैं इसफ़ार क़ुरान और सुबह शाम के असकार ये जो इंसान करता है टाइम लगता है लेकिन उनको चाहिए कि अपने किसी करीबी आलम जो आ, सही मानों में आलिम है उनको समझते हैं सलफ़ हैं उनके पास जाके उनको चेक करवाएँ तो इन श्ल्ला तक के लिए आसानी कर देंगे आगे पूछा गया कि नाज़रीन की रहनुमाई फरमा दें कि वो कौन से शरीय इसबाब और वसाइल हैं जिन्हें इख्तियार करके इंसान जादू होने से कबल ही अपना बचाव कर सकता है सारी चीज़ों में एक ही चीज़ आएगी जी अपने आप को बावजू रखें बावजू रहें रात को सोने से पहले रसूल सल्ला वसलम का मामूल था रसूलम बा वज़ू करते वज़ू करने के बाद अपने बिस्तर पर बैठते कबली की तरफ मुँह कर लेते हाथ उठा लेते क़ुल्लाद कुलाउबल फल क़ुल तीनों सूरते पढ़ते फूँख मारते चेहरे पर पूरे जिसम पे अपने आप को दम करते ये रसूल वसम का सारी ज़िंदगी का अमल था रसूल वसलम इसको नहीं छोड़ते थे और ये जादू का तोड़ है तो इनको भी ये चीज़ समझनी चाहिए कि एक तो ये सोने से पहले ये अपना ये अमल ज़रूर करें फिर वो जब घर के अंदर दाखिल हों तो बिसमिल्ली वल जनाव बिस्मिल फ़रजना रब्न् तवकलना ये वो दुआ है कि जब कोरोना के दिनों में आपने देखा होगा कि आप सैनिटाइज मतलब वो अपने आप को घर के, के ठीक है निकलते तो ये जब घर के अंदर दाखिल होते हैं ना तो स्कैन पूरा स्कैन हो जाता है इंसान हसत जादू बोग सब चीज़ें दरवाजे के बाहर इंसान हल्का फुल्का होकर घर आ जाता है फिर जब घर में आ जाए तो ऊँची वास्तः असलकुम् वर्का कहीं फिर अगर उसने खाना खाना है तो बि एटलीस्ट बिसम्ला तो पढ़ना चाहिए ना बिस््ला पढ़ ले नहीं अगर उनको भूल गया है तो बिसम अल्लहू आखिरों पढ़ लें आखिर में दुआ पढ़ लें अल्हदुल्लह पढ़ लें बाथरूम घर का दरवाज़ा बंद रखें बाथरूम का बाथरूम जाने से पहले दुआ का इहतमाम करें बिस्मिल्लाह इन्नी आऊज़ु मिन अल बिसमिल्ला नहीं आ गुफ़रान निकलते वक्त सोने से पहले दुआ पढ़े सोने जब सोकर उठे तब दुआ पढ़े और इसी तरह जब घर से बाहर जाएँ तो दुआ का अहतमाम करें आयतुल कुर्सी का अहतमाम करें तो इन चीज़ों से इन बचा जा सकता है और ये नहीं है कि वो कुछ लोगों का ईमान इतना कमज़ोर होता है अच्छा कुछ लोग ये कहते हैं कि जी ये चीज़ें तो हम करते हैं हमें फ़र्क नहीं पड़ता हमें नहीं फ़र्क पड़ता और फिर हम उनको कहते हैं कि आपके ईमान के अंदर कमी है आपका दिल इतना सख्त हो चुका है कि आपका दिल दीन के बारे में रसूलसलम की अदीत सुनकर भी नरम नहीं हो रहा तो अपने ईमान को मजबूत करना चाहिए तकवा इख्तियार करना चाहिए इसके अंदर बहुत ज़रूरी है ठीक है इसका इलाज भी बड़ा आसान है जी सबसे पहला उसको अल्लाह उसके रसूल के बारे में बताया जाए उसको नमाज का पबंद बनाया जाए ऐसे मरीज़ को चाहिए कि वो रोज़ाना नहाए और बेरी के पत्तों का बेरी के पत्तों से लेके उसका इलाज किया जाए ये बड़ा कमाल का इलाज है कि बेरी के पत्ते 21 पत्ते ले लें अगर कोई इस तरह का मरीज़ है और वो इस तरह के मामला में चला गया तो उसको चाहिए कि बेरी के पत्ते 21 पत्ते ले कर उनको साफ करके उनको तोड़ ले कट्ठों को तोड़ के पानी के अंदर डाल ले ऊपर से ढक दे उसको और उसको उबलने दें जब वो पानी अच्छी तरह से रंग निकाल लें बेरी के पत्ते तो वो आग को बंद कर लें बंद करने के बाद उसको ठंडा होने दें एक घंटा दो घंटा तीन घंटे जब वो ठंडा हो जाए पानी तो बेरी के पत्ते पर के बाहर फेंक दें तो दम वाला पानी जो सुबह शाम के अस्कार पड़े वो दम किया हुआ पानी वो उसके अंदर मिक्स कर लें उसके बाद वो एक गिलास पानी पिए उससे ये होगा कि उसके अंदर के जादू और सेब जितने भी असरात हैं वो सारे झायल हो जाएंगे फिर वो अपने घर में छिड़काव करें उन पानी के साथ घर के अंदर जितने भी असरात हैं वो ख़त्म हो जाएंगे फिर उस पानी के साथ नहा लें और पानी मिक्स करके नहाना इस तरह के वो पानी आपके जिसम के अंदर जज्ब होना चाहिए अच्छी तरह जैसे हम शैम्पू करते हैं जैसे हम आ, म, साबुन लगाते हैं जज्ब करते हैं कुछ लोग ऐसे पानी नहा लेते हैं अच्छा उस पानी के साथ वज़ू भी किया जा सकता है जो पानी आप रोज़ाना दम करते हैं अस्कार पड़ते हैं उस पानी के साथ वज़ू भी किया जा सकता है उससे बड़ा फ़ायदा होता है और अगर नहा लें तो उससे आपका जिसम इतना रिलैक्स हो जाता है कि गुस्सा तो ख़त्म ही हो जाता है ना बिल्कुल ऐसे जैसे है ही नहीं

कि किसी शख़्स की मर्दानगी को बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए या इस एतबार से उसे कमज़ोर कर दिया जाए देखें जी रिश्ता ना होना जी आ, मर्दाना सलाहियत ख़त्म हो जाना कारोबार का डेड हो जाना लड़ाइयाँ पैदा हो जाना ख़ानदान तबाह हो जाना मियाँ बीवी की तलाक हो जाना उसके अलावा आप कोई भी बात कर लें पहले ज़माने में जादू जब किया करते थे वो एक तस्वीर पे किया करते थे और वो लाने लाते ब, बड़ी एक ये अब तजुर्बाते हैं एक ये एक लंबी फहरिस्त है आप जब भी आप किसी से मिलेंगे कोई जादू के हवाले से तो आपको मुख्तफ चीज़ें बताएंगे लेकिन मिलती जुलती होंगी आज का जो जादू है इतना फास्ट है आज जादू करो कल बंदा ख़त्म करना तो अल्लाह की ज़ात ने लेकिन इतने ख़तरनाक किस्म के जादू आ चुके हैं कि आज उसके ऊपर जादू करो उसका नाम बताओ उसकी तस्वीर दिखाओ वो आपको घर विदिन आपको फ़ौर वो जन्नात जो है ना वो शातीन जन्ात आपको उनके घर का एड्रेस बताएँगे वहाँ जाएँगे मकसद मेरा डराना नहीं है मकसद मेरा यह है कि हम अपने रसूल सल्म की जो तलीमत है उस पर अमल करना शुरू कर दें बहुत फ़ास्ट चल रहे हैं हर चीज़ फ़ास्ट हो गई है क्या ये फास्ट नहीं होगी आप देखें ना लैपटॉप हैं मोबाइल हैं हर चीज़ है गाड़ियाँ हैं तो ये जादू का उधर ही रुका हुआ है ये तो सबसे पहले आगे बढ़ता है अच्छा हाँ। तो जादू, जादू का शिकार की हो रहे फैमिली, पूरी की पूरी फैमिली लोगों ने सबके सामने रख दी है एक जगह पे जाते हैं अपनी फैमिली को अपने बेडरूम लोगों के सामने कुछ छुपा डका ही नहीं है हम हम लोगों को एक हमें हमारी तरबियत हमारे इस्लाम ने हमारी तरबियत ये की है कि आप ज़्यादा काउंसलिंग करें लोगों की जो आप देखें ना किसी को पता ही नहीं है कि हम जो अमल बता रहे हैं जब तक उसकी उसकी अहमियत का नहीं पता होगा जैसे हम अलहमदल्ला पढ़ रहे हैं अलहमदल्ला नमाज पढ़े हैं है, हमें नमाज पे तर्जमा ही नहीं आता हमें नम, कभी मज़ा ही नहीं आएगा उसका जी जब तक हम उसका तर्जमा नहीं पढ़ेंगे इसीलिए हम ज्यादा काउंसलिंग करते हैं कि खुद अपने घर को बचाना है अपने रिश्ते को बताना लोगों की लोगों के बातों में ना आए अपने आप की फायदा आपकी इतना शो ऑफ करने की जरूरत क्या है इतना दिखावा करने की जरूरत क्या है कि हम नहीं रहा जा सकता कोई ना? भी काम करते हैं हम दुनिया को दिखाते हैं स्टेटस पे लगा देते हैं अपलोड तो करते हैं और फिर भुगतते हैं अच्छा इन दिस केस जो हमने अभी ये वाला जिक्र किया कि किसी को नामर्द कर देना और ये वाला मामला उसके लिए क्या हल है वही दुआएं जो आप अभी बता रहे शाम के आसकार बहुत जरूरी है बहुत जरूरी है उनको किसी एक्सपर्ट से उनको चेक करवाना चाहिए माशा अलहमदल हमारे असलाफ में अलमदिल्ला काफ़ी लोग इसको देख रहे हैं अगर वो पाकिस्तान के अंदर हैं तो वो किसी आमिल को चेक करवाएं मेरे पास इस तरह के केस बहुत सारे आए हैं अच्छा इसके अंदर सबसे पहले हम उनको उनसे टेस्ट रिपोर्ट मंगवाते हैं सारी तो रिपोर्ट ठीक होती हैं ठीक है, जाद, है जादू का एक सबसे बड़ा मसला ये है कि जब आप बीमार होंगे आप टेस्ट करवाने जाएंगे आपके टेस्ट सारे क्लियर आएंगे लेकिन आपको बीमारी का नहीं पता चलेगा बीमारी मसला ये भी अलामत है ये अलामत पक्की है ठीक है आपके घर के अंदर जादू इसकी बीमारी पता चल जाता है कि आपके कपड़े फट जाते हैं टुक लग जाता है आपके घर के अंदर अंडे या आपके घर के अंदर लोथड़ा गोश्त का या खून के धब्बे या छींटे ये भी आपको बता देता है इसका इलाज बड़ा आसान है सुबह शाम के असकार मस्ट है बावजू होना आपका नमाज नमाजें पूरी पढ़ना इसी तरह इशराक का अहतमाम करें और चाश का इहतमाम करें तहजद का अहमाम करें इन शह इससे काफ़ी चीज़ें बेहतर और आयतल कुर्सी हर नमाज के बाद ज़रूर पढ़ें कुछ लोग जैसे काारी सब कहते हैं कि खास तौर पर सूरभ बकरा पढ़ें भी अच्छा और घर कुछ में लगा अच्छा आपने मुझे बताया होगी बात कुछ लोग मुझे फ़ोन करते हैं कि कारी साहब हमने सर हमने जब सूर्भ बकरा शुरू की है पढ़ने हमारे हालात और ख़राब हो गए और जब हम छोड़ते हैं तो ठीक हो जाते हैं अच्छा जब हम उनको वजीफा बताते हैं इक्कीस दिन का वजीफा बताते हैं कि आप वो शुरू करें वो कहते हैं जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हमारा जिसम टूट रहा होता है और हमारे जिसम ऐसे लगता है कि जैसे ना हमने मर जाना है या हमारा सांस ख़त्म हो जाएगा और जब हम उसको ख़त्म करते हैं हम बिल्कुल रिलैक्स फील करते तो मैं कहता हूँ कि जब तकलीफ़ हो रही है इसका मतलब उनको तकलीफ़ हो रही है तो जब करके इसको पढ़ें देखें ना डॉक्टर के पास भी जाते हैं दवाइयाँ भी तो खाते हैं ना बर्दाश्त करते हैं ना

ताकि आपको पता चले कि जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं आपको पता होना चाहिए कि अल्लाह ताला इसके अंदर क्या कह रहे हैं व तबा तो मातल याती एक सौ दो नंबर आयत है इसकी तलावत करें इसको कसरत से पढ़े फलाम यूनुस की इक्यासी और बयासी नंबर आयत है, फलाम कोलामो समाजी तुम्बे इसको कसरत से पढ़े

पता नहीं आई डोंट नो कैसे वो उनको पता चला जब वो उन्होंने उसको टैप को आ, उसके कनेक्शन से खोला तो वो पी से फंसा हुआ था और जैसे वो निकला तो बेतहाशा पानी आया वहाँ पे आने का भी कोई जरिया नहीं है जिन्नात कहाँ से आ सकता है वो जन्नात के जरिए लेकिन उन्होंने बड़ा लाइट लिया उसको बकरा भी भी लाइट लेना ले 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 चाहिए बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए ये जादू की स्टेज लास्ट स्टेज होती है अच्छा ये स्टेज लास्ट होती है इसके बाद जब भी खून के धब्बे आएंगे उसके बाद कोई ना कोई अनहोनी होती है अल्लाह तुमको उनको अपने जुबान में रखे जितने भी लोग हमारे पास आते हैं या जितने भी तो ये लास्ट स्टेज होती है इसकी अच्छा मेरे पास हफ्लाउद्दीन यूसुफ़ रहमत उन्होंने एक औरत को मेरे पास भेजा कि इसका मसला बहुत ज़्यादा आप कैन यू बिलीव के लिटरली मैंने जब मैं उनको दम करने लगा उनके पूरे जिसम पे कट लगे हुए थे पूरे जिसम पे कट थे और मैंने जब शुरू किया उनको दम करना शुरू किया तो मेरे सामने सामने उनका हाथ इस तरह कटा और खून निकलने लग गया इधर से कटा खून और मैं देख रहा था उनके कपड़े खून से भर रहे हैं तो ये जादू सेब ये सारी चीजें हैं उनको क्यों लाइट लेते हैं बल्कि मैं कहता हूँ कि नजर बद को लाइट ना ले अच्छा जैसे आप अभी फरमा रहे हैं नज़र बद तो ऑन टॉप आप आपने बताया सबसे अहम चीज़ है इसी पे रोकना चाहिए सबको बाकी सारे मामला बात के

हमें किसके पास पास के के पास पास जाना के पास जाना पड़ता पड़ता है है के 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 डॉक्टर डॉक्टर जाते हैं फिर भी वो ठीक नहीं होता हम कहते हैं किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाओ क्यों जाते हैं भाई उधर भी तवक्कल करो ना फिर जी उधर क्यों नहीं तवक्कल करते अल्लाह ठीक कर देंगे घर में बैठो ठीक है काबे शाबी पियो आराम आ जाएगा क्यों डॉक्टर के पास भागते हैं इधर क्यों नहीं हम इलाज करवाते गलत बात है आप एक तरफ अगर देख रहे हैं दुनिया में मामला में तो इस तरफ भी जरा उसको पे कुछ करना है तो आप बता दें ताकि वो भी मैसेज चला जाए वो सात दिन उनको कहें कि सुरख घर में बकरा की तलावत लगाए ऊँची आवाज़ में टेप में लगा दें या मोबाइल पे लगा के उसकी आवाज़ कोनों कोनों तक जाए और तीसरा और चौथे कलमे की कसरत से फजर के बाद सूरज निकलने से पहले पहले ये आपने जितने भी अजगार करने हैं ना ये सामीन ये जान लें कि जितने भी असकार हैं वो सूर्य निकलने से पहले पहले हैं फजर की नमाज के बाद से सूर्य निकलने से पहले पहले तक आप अल्लाह ताला से जो मांगना चाहते हैं मांग लें अल्लाह ताला आपको अता कर देंगे ठीक है इंशाल्लाह। एक आपने बताया कि सूरह बकरा सात दिन साथ पढ़ें दिन। भी और घर में लगाएं भी अच्छा एक ये है कि यह इलाज बड़ा ज़बरदस्त है ग्यारह मरतबा दुर्ूशीफ जी ये अमल इक्कीस दिन का अमल है इसको करते भी रहे इससे बहुत फ़र्क पड़ जाएगा ग्यारह मरतबा दुरूशीफ इकतालीस मरतबा सुरुफात्या फिर ग्यारह मरतबा दुरुशी, तीसरा और चौथा कलमा ये पाँच चीज़ें बनती हैं इसको दम कर लें अपने ऊपर और थकार दें थोड़ी सी थूक जो है ना वो अपने ऊपर अच्छी तरह से दम कर लें और सुबह के टाइम ये दम करें और यानी कि अगर असेब है यानी कि आपका तबीयत बिगड़ती है तो आप कोशिश करें कि मगरब से पहले पहले तीसरा चौथा कलमा एक, -एक सौ मरतबा दबारा पड़ लें घर के सारे मेम्बर्स पर ये कर दें खुद पर कर लें और इंशाल्लाह इससे बहुत फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा ठीक है ठीक है इंशाल्लाह चलें बहुत शुक्रिया कारी साहब आप तशरीफ लाए वक्त चूंकि कम ये है ये इतना इतना वसी एक टॉपिक है, है जी बिल्कुल कि इसके अंदर इतनी ज्यादा चीजें हैं कि अगर आप चाहें तो इसको एक स, आपके पास माशाल्लाह बहुत लोग आए होंगे उन्होंने बताया होगा तो ए, एक एक बात से दूसरी बात बात और निकलते निकलते प्रोसेस निकलते। है जी हम कोशिश करेंगे कि अपने हर प्रोग्राम में इसको ज्यादा ज्यादा कवर करने की कोशिश करें अगेन कारी उमैर बिन उजैर साहब आपके तो आने आप का बहुत शुक्रिया इनके साथ मौजूद रहे मोहसिन एहसिन बिलाली साहब जो कि नाथ खाए और बड़ी खामोशी से आज सारी गुफ्तु सुनी इन्होंने और इनको भी पता चल रहा होगा कि अगर कुछ ऐसा है तो ये पढ़ना चाहिए आपका आने का शुक्रिया जी इसके साथ ही जी जो चीज़ें हमने आपको बताई हैं बहुत से ऐसे सवाल जो मैंने खुद से भी पूछ लिए उसकी रीज़न ये थी कि जब लोग मुझसे भी पूछते हैं तो मेरी तो एक्सपर्टीज नहीं है और जब ऐसी शख्सियात हमारे साथ मौजूद होती हैं तो फिर ये सवाल पूछ लेना बेहतर है कि आपकी भी कोई बेहतरी हो सके आप जो सवाल चाहते हैं वो आप तक उसका जवाब भी पहुँच जाए आज जितने सवाल हमें मौसू हुए थे हमने सारे शामिल करने की कोशिश की लेकिन जो रह गया इन नेक्स्ट प्रोग्राम में उसको शामिल करेंगे इसके साथ ही नवीद निज़ामी और मेरी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए ooh mm -hmm.